बच्चा लोग, क्या हाल है पुत्र आपका? बच्चे आज देखें, मैंने आज एक मैं आपको सिखा रही हूँ कोटा डोरिया का। ये मेरे पास वाइट कलर का दुपट्टा है बेटा, मैंने इसको पेंसिल से डिजाइन दिया बेटा, इसको ट्रेसिंग को नीचे रख के। ये मैंने आपको एक बार बोला था भाई, आप मार्केट से फोटो स्टेट वाले के पास जाके डिजाइन को बड़ा करवा सकते हैं। ये देखिए बेटा, मैंने फोटो स्टेट वाले के पास से ये डिजाइन मैंने बड़ा करवाया। ये छोटा सा डिजाइन था, ये देखिए बेटा, आप ऐसे बेटा इसको डिजाइन को बड़ा करवा सकते हो। मैंने इस पेपर को इस दुपट्टे के नीचे ऐसे बेटा रख के ऊपर से मैंने पेंसिल लेके पेंसिल चला दी बेटा। पेंसिल ये देखे, नीचे से सारा डिजाइन नजर आता है, ये देखे बेटा। तो आप पेंसिल लेके ऊपर से डिजाइन को ड्रॉ कर ले, ये सारा डिजाइन ऐसे इसके ऊपर आ जाता है। लेकिन आज इससे पहले बेटा मैं आपको सिखाने लगी हूँ इसका दुपट्टे का बेस बनाना, ठीक है बेटा? बेस जो है ये देखे, मैंने आधे दुपट्टे का बेस बना दिया, ये देखे बेटा, ये आधा दुपट्टा मैंने बेस तैयार कर दिया है। ये अभी मैं आपको बताऊंगी भी ये मैंने कैसे तैयार किया। ये देखें बेटा, ये मेरे पास मैंने एक टूथब्रश लिया, ये देखें टूथब्रश है बेटा मेरे पास। इसकी ब्रिस्टल्स हार्ड वाला लेना है बेटा, ये 10 रुपए का मार्केट से मिल जाता है, घर में पुराना पड़ा हो लेकिन ठीक होना चाहिए, उसकी ब्रिस्टल्स ऐसे खराब नहीं होनी चाहिए, जैसे वो फैल जाती है ना ब्रश, वो नहीं लेना बेटा। ऐसे आप ठीक वाला ब्रश लेना है। अगर घर में नहीं है तो बाजार से 10 रुपए का ब्रश मिलता है हार्ड वाला, बोलो मुझे हार्ड ब्रश दे दो। सो बेटा, मैंने टॉवल उस दिन आपको दिखाया था पहली वीडियो में, उसका ये बाइंडर मेरे पास बचा हुआ था बच्चे, ये पेस्ट मेरे पास बची हुई थी। मैंने इसी पेस्ट में फेविक्रिल का, ये फेविक्रिल का बेटा कलर है प्रशियन ब्लू, फेविक्रिल प्रशियन ब्लू, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला और इसकी मैंने स्काई ब्लू टोन कर लिया। इसमें मैंने ये बाइंडर डाल दिया, बाइंडर में फिक्सर पहले का पड़ा हुआ था बेटा, पानी पड़ा हुआ था, टॉवल वाला ये बाइंडर था मेरे पास बच्चे। इसमें मैंने ये प्रशियन ब्लू बिल्कुल थोड़ा सा डाला तो हल्का सा मैंने स्काई ब्लू कलर बना लिया। सो देखें बच्चे, अब मैं आपको दुपट्टे के ऊपर ऐसे ये स्ट्रोक्स लगाने बताने लगी हूँ, उसके बाद हम ये फ्लावर्स को कलर करेंगे बेटा। ये देखें, हाफ मैंने कर लिया, हाफ की साइड मैंने चेंज करनी है बेटा इस साइड से। ये देखें बच्चे, दुपट्टे को मैंने ऐसे पूरा, नीचे मेरे हार्ड सरफेस है, ये एक हार्ड बोर्ड है ये बेटा, ये पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैंने ये चादर बिछा ली है, उसके ऊपर मैंने ये दुपट्टा बिछाया बच्चे। ये देखे, दुपट्टे की सलवट पूरी निकाल लें ऐसे करके बच्चे, ये देखें, ये जो कलर मैंने ब्लू बनाया ये मैं प्लेट में आप डाल लो बेटा, कोई किसी जगह भी प्लेन सरफेस के ऊपर। ये देखें बच्चे, आपको नजर आ रहा होगा ये मैंने ऐसे डाला बेटा, ऐसे मैंने टूथब्रश के साथ बेटा, ये देखें मैंने ऐसे लेना आपको, मैं ये देखें बेटा, ये मेरा कलर पड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए मैंने इस पे रख दिया। आपने इसके ऊपर नहीं रखना बच्चे, कहीं रंग ना गिर जाए, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बेटा, कोई चीज छुपी नहीं रहनी चाहिए बेटा। ये देखें मैंने टूथब्रश के साथ ऐसे लिया कलर को, ये उसके बाद मैंने यहाँ से शुरू करना है, नुक्कड़ पकड़ ली है मैंने कपड़े की, ये एक स्ट्रोक, उसके बाद दूसरी उससे ऊपर शुरू करनी है, तीसरी स्ट्रोक जो है वो मैंने इससे भी ऊपर शुरू करनी है, हल्की हल्की देनी है बेटा, हल्का रंग देना है। ये देखें, एक ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी उससे ऊपर आ गई। अब फिर देखें बेटा, पहली स्ट्रोक ये मैंने दुपट्टा उंगल से पकड़ लिया बेटा, पहली स्ट्रोक मैंने ये दे दी सीधी टूथब्रश के साथ,
जितना जाता है एक बार बेटा टूथब्रश उतना कर देना है। सेकंड मैंने यहाँ से शुरू किया, नीचे से दो उंगल छोड़ दिया बेटा, दो तीन उंगल, उसके बाद इसको मैंने ऐसे ले लिया फ्री हैंड बिल्कुल। तीसरी मैंने ये ले ली बेटा, ये देखे, फिर ये एक, अगर यही ब्रश आपका जाता दोबारा तो इसको भी जाने दो बेटा, हर बार जरूरी नहीं है मैं अपने हाथ स्टोक के ऊपर रंग लेना है। ये देखें दो, ये तीसरी, रंग कम है इसलिए मैं ले रही हूँ बेटा, ये देखें, इससे बड़ा अच्छा बेटा ये बनता डिजाइन। आप बच्चे इसको, इस स्टोक को सलवार के ऊपर ले सकते हैं बच्चे, मैंने अपनी एक सलवार बनाई हुई है, सूट बनाया हुआ है, सलवार के ऊपर मैंने बेटा 2.5 मीटर कपड़ा लेके उसको मैंने ऐसे स्ट्रोक्स लगाई हुई हैं ये, उसके बाद मैंने वो सलवार को सिलाया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा सूट एक तैयार हो सकता है बेटा। सलवार ले लो, सलवार के कपड़े के ऊपर आप ऐसे स्ट्रोक्स लगा लें, ऊपर ये वाला दुपट्टा ले लें ऐसे स्टोक्स वाला, और जब हम लोग ये फूल बनाएंगे आप घेरे के ऊपर बेटा, शर्ट के घेरे के ऊपर बना सकते हो, आप गले के ऊपर से फ्लावर लेके आ सकते हो, ये पूरा सूट आपका रेडी हो सकता है बच्चे। आप कई बार बोलते हो ना कोई डिज़ाइन हमें सूट के लिए बताएं, तो ये आपका पूरा एक सूट रेडी हो सकता है बेटा, और बड़ा अच्छा लगेगा पहना हुआ है। ऐसे ये सलवार के ऊपर आ जाएगा ये डिज़ाइन, उसके बाद आप दुपट्टे के ऊपर लेंगे, शर्ट के ऊपर नहीं लेना बेटा ये डिजाइन, सिर्फ फ्लावर को उठाना शर्ट के ऊपर। ये देखिए बच्चे, ये देखे एक लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है बच्चे। अब ये कलर आपको बच्चे पतला रखना है, थिक कलर नहीं लेना क्योंकि ब्रश नहीं चलता बेटा, पतले रंग में ये ब्रश चलता है। अगर आपके पास ये बाइंडर बेस नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, आप फैब्रिक के कलर के साथ ही कर सकते हैं उसको पतला करके। अब ये देखें एक दो तीन, तीसरी स्ट्रोक मेरी यहाँ तक गई हुई है बेटा, अंदाजे से लेनी है, उसके बाद थोड़ा सा इतना सा हाथ छोड़ के एक पंजा यहाँ से छोड़ के आपने सेकंड लाइन ले लेनी है, एक दो, ये मेरी दो बार मैंने एक ही ब्रश से कर दिया, आप भी ऐसे करें बेटा, ये तीन, फिर उसके बाद फिर एक दो, दूसरी थोड़ी ऊपर, तीसरी उससे भी थोड़ी ऊपर, ये डायगोनल सा डिजाइन आना है बेटा ऐसे। आधा मैंने उस तरफ से किया बेटा, आधे की स्ट्रोक्स मैंने अब इस तरफ से लगाई हैं, ये सेंटर में जाके बेटा मर्ज हो जाएंगी लाइंस एक दूसरे के बीच में। ये देखें बेटा ट्रेसिंग के ऊपर मैं कर रही हूँ बेटा, जहाँ मेरी ट्रेसिंग है उसके ऊपर ही मैं कर रही हूँ। ये मैंने लाइट ब्लू कलर बेटा यूज, हाँ जी बेटा, ये देखें ये मैंने दुपट्टा बचे पूरा हाफ मैंने बेटा उधर से किया, हाफ लाइन ये थी मेरी बेटा, हाफ स्ट्रोक्स मैंने इधर से दी है। अगर आपको जब लगता है ये लाइंस आपस में मिल जाएंगी आधी आधी वाली, तो आप थोड़ी सी लाइंस बेटा छोटी कर सकते हो। एक बात मेरा बच्चे एक बार और सुनो, जब आप रंग बनाओगे इसके लिए तो बार बार नहीं बनाना बेटा, एक बार बना के रख लेना, क्योंकि फिर कलर मिलता नहीं है बेटा, टोन्स जो है उसमें फर्क पड़ जाता है, इसलिए एक बार बना लेना बेटा, बचो रंग तो फिर कभी यूज हो सकता है बाद में, बीच वाला नहीं हम लोग कर सकते बेटा, अगर बीच में कुछ करोगे आप गड़बड़ हो जाएगी। सो बेटा ये देखें मैंने आधी स्ट्रोक्स लगा दी हैं, ये पूरा दुपट्टा बेटा टूथब्रश के साथ देखें कितना अच्छा लग रहा है बेटा, कोई भी रंग यूज कर सकते हो बेटा। मुझे पिछली बार किसी ने पूछा था जब टॉवल वाली थी वीडियो मेरी, उसमें पूछा मुझे वेलवेट, बेटा मैंने कभी वेलवेट यूज नहीं किया है। हाँ जी बच्चे, पहले मैंने आपको दुपट्टा बताया था बेटा कैसे इसको ब्लू कलर से मैंने किया है, अब बच्चे आज मैं फूल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें एक फूल मैंने बच्चे बना के रखा है आपके लिए, ये देखें जरा, इसमें मैंने
बेटा एक मैंने फेविक्रिल का क्रिमजन कलर लिया, रेड कलर क्रिमजन, ये देखें बेटा। उसके बाद व्हाइट है मेरे पास, ये भी फेविक्रिल का है, फेविक्रिल का व्हाइट कलर बच्चे। सेंटर में फूल का जो सेंटर है बेटा, उसमें मैंने लेमन येलो कलर रखा, ये भी फेविक्रिल का ही है बच्चे। थोड़ा सा मैंने कलर बेटा गोल के रखा है, ये देखें, इसमें मैंने रेड क्रिमजन, रेड कलर, ऑरेंज और थोड़ा सा व्हाइट डाल के रखा, थोड़ा सा पानी डाल के ये बेस के लिए रखा बच्चे मैंने। सो बेटा यही कलर्स है मेरे पास। और एक फेविक्रिल का सैप ग्रीन, ये देखें बेटा सैप ग्रीन। उसके बाद फूल की बच्चे मैंने देखें ये व्हाइट आउटलाइन की हुई है, ये देखें आपको ध्यान से जरा देखें। इसके लिए मैंने फेविक्रिल का बेटा ये लिक्विड एम्ब्रॉयडरी दिया ट्यूब बेटा, ये देखें व्हाइट कलर की है बेटा, पर्ल नहीं है, प्लेन व्हाइट कलर है। इसका नंबर है बेटा 707, इस ट्यूब का नंबर, ये देखें बच्चे। सो देखें बच्चे ये आपको फूल नजर आ रहा है, ऐसे एक छोटा सा फूल बेटा मैं अभी बना के आपको दिखाने लगी हूँ। ये स्टोक्स तो आपने बेटा देख लिया अच्छी तरह, देखिए कितना अच्छा ये सॉफ्ट दुपट्टा लग रहा है बच्चे। कलर्स इतने पतले लगाने हैं, ये देखे मेरा हाथ जो है, ये देखे मेरी उंगलियां इसके बीच में से नजर आ रही है बेटा, ये देखे फूलों के बीच में से बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसे पकड़े देखे सॉफ्ट कलर है, हार्ड नहीं करना बच्चे कलर को। तो ये देखे बच्चे मैंने शुरू किया अब फूल, मैंने एक चादर नीचे बिछाई है उसके ऊपर मैंने बेटा ये दुपट्टा बिछा दिया। ये मैंने थोड़ा सा कलर लिया बेटा पतला सा, बिल्कुल पानी की तरह पतला है। मैं फूल की बच्चे पेटल बनाने लगी हूँ, थोड़ा सा मैंने व्हाइट कलर यूज करना है, जगह छोड़ दी है बेटा व्हाइट कलर के लिए भी। सारा नहीं भरना बेटा, आप लोग सारा सारा भर देते हो, इसके लिए इस हार्डनेस आ जाती है बेटा, थोड़ा थोड़ा रंग लगाए। ये देखें बेटा मैंने सारी पत्ती के ऊपर रंग नहीं किया बच्चे, थोड़ा सा मैंने पिंक रंग किया है, अब थोड़ा सा मैंने व्हाइट करना बच्चे, ये देखें थोड़ा सा व्हाइट, ये देखें थोड़ा सा व्हाइट मैंने लगा दिया है, उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ बच्चे। अब थोड़ा सा बिल्कुल एक टिप मैंने छोटी सी ब्रश की ली है, अगर आपको ज्यादा भी लगता कभी तो ऐसे अपने रैक से बेटा पोंछ ले। ये देखे बेटा अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा रेड कर दिया, ये देखे बेटा। आप बहुत ज्यादा कलर्स बेटा लगाते हो, इसीलिए आप मुझे बोलते हो आंटी हार्ड हो गया, ये हो गया, बिल्कुल पतला थोड़ा थोड़ा रंग लगाया करें बच्चे। बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें इतना सा मैंने पिंक किया, आगे से मैंने कपड़ा छोड़ दिया, जहां मैंने व्हाइट लगाना है मैंने व्हाइट से ऐसे ब्लेंड कर देना है थोड़ा सा। ये देखें बच्चे जहां मैंने थोड़ा सा रेड लगाना है, फिर मैंने फ्लावर को छोड़ा थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा मैंने रेड लगा के। अगर आपको बच्चे राउंड ब्रश ठीक लगता है तो राउंड से करें, अगर फ्लैट अच्छा लगता है, ये मेरा फ्लैट बेटा दो नंबर फ्लैट ब्रश है, मुझे फ्लैट से काम करना अच्छा लगता है बेटा।
ये देखे बेटा, जिधर से मर्जी बेटा डार्क करें, जहां से मर्जी लाइट करें, कोई ऐसा नहीं है पक्का भी हाँ बिल्कुल फूल के पत्तियां जो पेटल्स है वो एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा। जहां से मर्जी आप लाइट कर लो, बस रंग थोड़ा थोड़ा लगाना है बेटा। साथ में पानी रखें बेटा ब्रश को पानी से। बेटा ये देखें फूल मेरे बन गए हैं बच्चे। अब मैंने ये थोड़ा सा देखें बच्चे मेरी पैलेट में मैंने व्हाइट और ये ग्रीन कलर डाला बच्चे, कहीं कहीं मैं व्हाइट ग्रीन कलर मिक्स कर रही हूँ, ये देखें कहीं कहीं, और कहीं बच्चे मैं सिर्फ ग्रीन से सैप ग्रीन कलर लगा रही हूँ। बहुत ज्यादा कलर नहीं लगाना बेटा, थोड़ा सा उठाना। ये देखे बेटा ग्रीन कलर, ये जो मैं बच्चे टेनिया कर रही हूँ ब्रांचेस इसकी, ये मैंने अपने ब्रश को ऐसे खड़ा किया हुआ है, फ्लैट नहीं रखा हुआ बेटा। यहाँ कम जगह होती है बेटा, वहां पे हम लोग ब्रश को फ्लैट नहीं करते। ये बच्चे आप जब करोगे अपने आप आपको समझ आ जाती है ब्रश को कैसे रखना बेटा। ये देखें बेटा जब आपको लगे ब्रश थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, रंग गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा पानी यूज करें बेटा। ये कोटा जो है ना बच्चे ये ज्यादा पानी नहीं लेता बेटा, ये कलर फैलता है इसके ऊपर अगर ज्यादा पानी रखोगे। ठीक है बेटा, पानी ज्यादा नहीं रखना बच्चे, कोटे डोरिया के ऊपर पानी फैलता है, कम पानी रखना बेटा ब्रश में। ब्रश को धो लो, उसके बाद रैक के ऊपर बेटा ब्रश को ड्राई कर लो, रंग थोड़ा थोड़ा, ये हमेशा याद रखना। बेटा एक बात मैंने और आपसे शेयर करनी है, अगर कहीं आपको काम करते समय आपका रंग कहीं लग जाता है कपड़े के ऊपर जिस पे आप पेंट कर रहे हो बेटा, जिस पे आप पेंट करते हो बेटा उसके ऊपर अगर रंग लग जाता है तो मैं आपको बेटा एक चीज बताती हूँ। अभी एक ये फूल खत्म कर लूँ, एक बच्चे स्टेन ऑफ आता है पीडी लाइट वालों का, ठीक है बेटा, ये अमेजोन से मिलेगा पीडी लाइट वालों का स्टेन ऑफ। बेटा सारे ध्यान से सुन ले, स्टेन ऑफ ये पीडी लाइट वालों का बेटा वहां से मिलेगा अमेजोन से, सस्ता सा होता बेटा, 50 रुपए की शायद बॉटल आती है, तो उससे बेटा आप ये ठीक कर सकते हो बेटा। मैं आपको बता दी बेटा, देखें ये फूल बच्चे बन गया है। अब मैं बच्चे इसके ऊपर ये देखें व्हाइट एक ट्यूब है बेटा मेरे पास, इसके साथ मैं बच्चे ये लगा रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ बच्चे। कई बार बच्चे ये रुक जाती है, तंग करती है, आप इसको बच्चे इसको कपड़े के ऊपर रख के करना है काम, हवा में नहीं चलानी बेटा, टच करना है इसको। ये ट्यूब चल नहीं रही बेटा मेरी इस समय,
आप ऐसे देख लें, एक पत्ती मैंने आपको फूल की डाल के बता दी है, दो तीन पत्तियां, ये देखें ऐसे बच्चे आपने इसको बनाना है। ठीक है बेटा, बेटा ये देखिए मैंने, मेरे पास ये बेटा एक इंस्ट्रूमेंट आया सिर्फ डॉट लगाने के लिए, ये देखें बेटा ये 25 रुपीज का बेटा मार्केट से आया, इससे डॉट बड़े अच्छे लगते हैं बेटा, बस इसीलिए डॉट मैंने इसी से लगाए हैं बेटा। अब आप एक चीज और बेटा नोट करें मेरी, एक बात और है बेटा, काम करते करते कहीं भी हाथ से रंग लग जाता है, ब्रश से रंग लग जाता है, उससे बच्चे कपड़े की खूबसूरती खराब हो जाती है। तो मेरे पास बेटा ये स्टेन ऑफ है, ये देखें बच्चे, ये पीडी लाइट वालों का स्टेन ऑफ है, ये कोई महंगी चीज नहीं है, ये 50 रुपए की एक बॉटल मिलती है, मैं आपको बॉटल निकाल के बताती हूँ बेटा, ये देखें ये बॉटल है बच्चे। आप कपड़े को गीला करें, गीला करने के बाद 4-5 ड्रॉप्स बेटा उस जगह पे डालेंगे, उसके बाद अपने कपड़े को लेके, ऐसे कपड़े को लेके बेटा वहां से ऐसे मसलोगे ऐसे हाथ से, तो ये दाग जो है छूट जाता है, केवल 2 बार लगाना पड़ता है, थोड़ा सा साबुन लगा लो हल्का सा, ऐसे करने से ये छूट जाएगा बेटा। ये अपने पास जरूर अमेजोन से मंगवा के जरूर रखें बेटा अपने पास, ये जो स्टेन ऑफ है। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, आप मुझे मुझे किसी कारणवश बेटा यहाँ से मैंने लुधियाना से बाहर जाना है कहीं ज़रूरी, एक हफ्ता बेटा मुझे लगता है मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी, तो आप मुझे बेटा ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें बच्चे, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया बच्चे, सो आपने बहुत बड़ा मेरा परिवार बना दिया बच्चा, इतना प्यार दिया है, इसलिए थैंक यू बेटा, बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू बच्चे, ओके बेटा बाय।